हेलो इंदौर, आप देख रहे हैं भैया ये क्या हो रिया, और मैं हूं अवधेश पंडित। जी हाँ, हाल ही में महाराष्ट्र की राजनीति में इतनी खलबली मची हुई है जितनी तो रणवीर सिंह ने पद्मावत में भी नहीं मचाई थी। जी हाँ, और ये सब देखने के बाद जी हाँ, महाराष्ट्र की सियासत के तार इतने उलझे हुए हैं जितने तो दामिनी के केस में सनी देओल और चड्डा भी नहीं उलझे थे। जो तार तूने छू लिया है, बिजली का वो झटका लगेगा कि तू झटकना भूल जाएगा। खैर, उन्होंने तो अपने तार सुलझा लिए, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के तार सुलझते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कारण है शिवसेना। जी हाँ, शिवसेना ये वही पार्टी है जो भाजपा के साथ चुनाव लड़ी राम लक्ष्मण बनकर, लेकिन जैसे ही फैसले आए तो दुर्योधन बन गई, गठबंधन टूट गया और सारे बंधन टूट गए। लेकिन शिवसेना की इस हरकत के बाद भाजपा के मन में सिर्फ एक ही बात आ रही है, और वो क्या है जरा देखते हैं। साले जिस थाली में खाते उसी में टट्टी करते हराम साले। अब भाजपा शिवसेना को कुछ बोलना चाहती है, लेकिन कैसे बोले, लेकिन हम बता देते हैं वो क्या बोलना चाहते हैं, जरा देखिए। और तू जो कर रहा है वो धोखा नहीं है साले, बेईमान थाले, बोला बड़े बड़े सपने दिखाए, मेरी मारी तूने, अब देख मैं तेरी कैसे बजाता हूं। अच्छा, देख। खैर जो भी हो, लेकिन बात पते की ये है कि अपना मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में शिवसेना इतनी आधुनिक हो चुकी है कि वो अपनी पुरानी और पिछली परंपराओं को तोड़ने में कोई संकोच नहीं कर रही है। एक समय था जब बाला साहब से मिलने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां मातुश्री के चक्कर लगाया करती थी, लेकिन उन्हीं के वारिस सरकार बनाने के लिए अब दूसरी पार्टियों के चक्कर लगा रहे हैं। खैर जो भी हो, इस पर जनता का एक ही रिएक्शन है। जनता का कहना है कि ठाकरे तो एक ही थे और ये जो है वो ठीकरे हैं। थोड़ा आराम से बजाओ यार, ठीकरे हैं ना, है ना, तोड़फोड़ नहीं करनी अपने को। लेकिन सोचने वाली बात है कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए या हमारे मन में विश्वास होना चाहिए, इसके लिए जनता का दिल भी जीतते आना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री के लिए क्या कोई अपना स्वाभिमान, अपनी विचारधारा का सौदा कर सकता है? जब दो अलग अलग तरीके के पानी आपस में मिलते हैं तो एक अलग ही तैयार हो जाता है, और वैसा ही कुछ हो रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। जी हाँ, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के मिलने के बाद जिनकी विचारधाराएं बिल्कुल ही अलग अलग है, क्या ये साथ रह पाएंगी? खैर हमारे सूत्रों से पता चल रहा है कि ये पुत्र मोह में हो रहा है। हाँ, और अगर ये सच में पुत्र मोह में हो रहा है तो आपको एक बात बता दूं कि पुत्र मोह में कई राजाओं के राजपाट चले गए, और अगर ये सच में पुत्र मोह में हो रहा है तो शिवसेना को घबराना चाहिए, थोड़ा सा डर भी लगना चाहिए, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहरा सकता है, और वो तो दोहराते रहेगा। लेकिन आप देखते रहिए भैया ये क्या हो रही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो,